तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वुड कीपर के साथ में धमाकेदार गेम प्ले, एंड हमारी लैंडिंग ऐसी जगह पे हो रही है एकदम बकवास जगह पे, क्योंकि मैं चला गया था किसी और काम से। तो गाइज देख पाओगे जीरो के लिए, एंड गाइज ओनली 434 बंदे अलाइव है। एंड गाइज इसी वीडियो के अंदर आप सब लोगों को गिव अवे भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि गेम प्ले के साथ में आपको गिव अवे भी देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में जो मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने वाला है उसको बीच वीडियो के अंदर कभी भी मैं एक्स्ट्रा गिव अवे के बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर से देखना। तो गाइज लूट बिल्कुल भी नहीं है, मैं फैक्ट्री जाना चाह रहा हूं, लेकिन सामने बंदा रिवाइव दे रहा है, इसका मतलब रिवाइव दे रहा है तो वहां पे बंदा है, तो बंदे को मार के उससे लूट लेना चाहेंगे क्योंकि लूट बिल्कुल भी नहीं है। तो पिस्टल हमारे पास है और हम इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दे दिया, एंड मेरे यहाँ पे फ्रेंड ने किल निकाल लिया। चलिए गाइस यहाँ पे लूट तो मिल गया लेकिन लूट कोई काम का नहीं मिला, तो सबसे पहले हम फैक्ट्री जाना चाहेंगे। फैक्ट्री पे भी बंदे डैमेज दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक स्क्वाड दूसरी स्क्वाड से फाइट ले रहा है। हो सकता है एक एक बंदे हो, कितने भी बंदे हो, लेकिन हम उनको मार के यहाँ पे लूट लूटना चाहेंगे। वुडकीपर हमको मिल चुका है, एंड यहाँ पे शॉर्ट रेंज की गन और हमको चाहिए। एंड गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने MP40 मिल चुकी है, फुल डैमेज है गाइस यहाँ पे, एंड इसको बिल्कुल पूरा मारना चाहेंगे। काफी अच्छे से हेडशॉट देने का ट्राई करेंगे, एंड यहाँ पे MP40 से हेडशॉट दे दिया है। एंड गाइस नीचे भी बंदा था, एक बंदा गाइस बिल्कुल यहाँ पे वुडकीपर का हेडशॉट लग चुका है। बन टैप काफी अच्छा यहाँ पे बन टैप दे दिया है, एंड अभी हमको लगता है कि यहाँ पे लूट काफी अच्छी हो चुकी है। नॉर्मल बॉल भी काफी सारी मिल चुकी है, एमओ भी ठीक ठाक है, एंड इस बंदे से भी काफी कमाल की लूट मिल चुकी है। देख रहे हो ना गाइस पोची नॉक पे एक भी बंदा नहीं मिला, पोची नॉक पूरी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, एंड एक भी बंदा नहीं मिला, लूट भी हमको नहीं मिली थी पोची नॉक पे। एंड अभी जाएंगे हम पीक पे, एंड पीक पे भी ढूंढेंगे गाइस बंदों, क्योंकि दो ही किल है एंड सिर्फ और सिर्फ 21 बंदे अलाइव, एंड पीक पे मेरे ख्याल से बंदे मिल जाएंगे। एंड गाइस बिल्कुल सामने बंदा है गाइस, यहाँ पे वुडकीपर का बन टैप देना चाहेंगे, एंड यहाँ पे बन टैप लग चुका है। दूसरे वाले बंदे के भी हम यहाँ पे डैमेज देंगे, एंड इसके भी हमने बन टैप दे दिया। भाई एक बंदे का बन टैप दिया है, दूसरे वाले बंदे को कैसे बॉडी शॉट से मार सकते हैं गाइस, उसको भी बन टैप से मारना बनता है। ऐसे बिल्कुल गद्दारी नहीं करना चाहेंगे कि एक को बन टैप से मारा और दूसरे वाले बंदे को बॉडी शॉट से मारा, इस तरह से नहीं करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे लूट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, इस वाले बंदे के पास कुछ लूट नहीं मिला तो दूसरे के पास भी कुछ भी नहीं होगा। एंड गाइस सामने बंदा रिवाइव दे रहा है और हमारा फ्रेंड भी वहीं पे जा रहा है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो भाई जल्दी से जल्दी जाके हमको यहाँ पे किल निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई किल भी जा सकता है। मुझे लगता है जहाँ पे फ्रेंड हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अलग हो चुका है, क्योंकि उसको लग रहा है भाई विश्वास है कि मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। एंड गाइस वुडकीपर से हम मारना चाहेंगे, वुडकीपर का बन टैप दे दिया गया, यहाँ पे बिल्कुल बन टैप लग चुका है, वुडकीपर से हमने यहाँ पे बन टैप निकाल लिया। एंड भाई बिल्कुल और भी स्क्वाड आ चुकी है, ये वाला बंदा डायरेक्ट मरा था, ये इसका टीममेट नहीं हो सकता, तो भाई कितने भी बंदे सामने हो सकते हैं, मेरे ख्याल से एक ही बंदा और भी हो सकते हैं भाई, कोई भी बिल्कुल पता नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे बंदा बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ है, एंड MP40 का हेडशॉट देंगे, एंड मेरे ख्याल से ये वाला हेडशॉट नहीं है, ये बिल्कुल एलिमिनेट है, यानी कि गाइस यहाँ पे नॉर्मल बंदा मरा है हेडशॉट के साथ में, नहीं मरा है। एक बंदा ऐसा है जो कि हमने हेडशॉट के साथ में नहीं मारा, 6 बंदों में से 5 बंदों को हेडशॉट दिया था, एंड मुझे उम्मीद है कि मैं भी आगे जाके सभी बंदों को हेडशॉट देने का ट्राई करूंगा। तो गाइस जोन जो है यहाँ पे कोटा टुआ पे चला गया, यानी कि सारे बंदे हमको यहाँ पे कोटा टुआ पे मिलने वाले हैं, तो कोटा टुआ पे जाके हम यहाँ पे किल निकालना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सामने बंदा मिल चुका है। एंड गाइस यहाँ पे बॉडी डैमेज हमने इस बंदे को दे दिया, लेकिन सामने वाले बंदे ने क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर लिया है, एंड अपने आप को कवर में ले लिया। एंड अभी जैसे क्रोनो से बाहर निकलेगा, एंड हमने यहाँ पे बन टैप दे दिया, क्रोनो से बाहर निकलते हमने यहाँ पे बन टैप दे दिया, एंड इसको पूरा फिनिश करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे कोटा टुआ पे जाएंगे, लूट नहीं करेंगे क्योंकि लूट हमारे पास ठीक ठाक अच्छी खासी है। एंड कोटा टुआ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सारे बंदे कोटा टुआ पे ही मिलने वाले, क्योंकि जोन बिल्कुल छोटा हो चुका है, एंड साथ में ही सामने बॉल भी लगी हुई है, तो बिल्कुल बंदे होना चाहिए। एंड गाइस सामने बंदा है, हम इसको जूम करके हेड लेने का ट्राई करेंगे, एंड हमने यहाँ पे हेड शॉट से मार दिया, एंड इसको पूरा भी फिनिश कर दिया, एंड बॉडी डैमेज भी देना चाहेंगे, क्योंकि सामने जो उसके बंदा था वो उसका टीममेट नहीं था, किल भी चोरी कर सकता था। एंड इसको भी हम यहाँ पे बन टैप देने का ट्राई करेंगे, एंड इसको भी हमने यहाँ पे बन टैप दे दिया, एंड किल निकाल लिया है। एंड किल निकालने के साथ में हमारे किल हो चुके हैं, 9 किल हो चुके हैं, 11 बंदे टोटल अलाइव बचे हुए हैं, एंड हमारे फ्रेंड्स को भी रिवाइव मिल चुका है। हमारे एक नंबर फ्रेंड ने सारे बंदे को रिवाइव कर दिया है, 2 बंदे जो थे उनको यहाँ पे रिवाइव दे दिया, एंड अभी हम लूट करना चाहेंगे क्योंकि लूट भी जरूरी है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे लूट काफी कमाल की लूट पड़ी हुई है, तो हम सारी की सारी लूट को लूटने के बाद में हम यहाँ पे और भी किल करने के लिए जाएंगे। एंड गाइस दूसरे वाले बंदे के पास यहाँ पे आइस गन थी, लेकिन गाइस इसको नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बॉल हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी है, एंड जो लॉन्चर है वो कभी भी काम आ सकता है। एंड सामने बंदा बिल्कुल गाइस यहाँ पे टावर पे बंदा है, एंड इसको हम यहाँ पे इसी तरह से हेडशॉट दे देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है। एंड हमने इसको वुडकीपर से हेडशॉट दे दिया, वुडकीपर नहीं गाइस वुडकीपर से हेडशॉट दे दिया है, और इसी के साथ में हमने यहाँ पे 10 किल निकाल लिए और 12 बंदे टोटल अलाइव बचे हुए, एंड हमको मिला करके 12 बंदे, तो गाइस हमको अगर हटा देंगे तो 8 बंदे बचे हुए, 8 में से कितने किल हमारे निकल पाएंगे वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। एंड गाइस मैं 8 नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि रिवाइव भी मिल सकता है। 11 बंदे बचे हुए और हमारे टीममेट भी यहाँ पे मर चुका है, एंड जो जोन है गाइस वो यहाँ पे पोची नॉक पे गया है, एंड बंदे भी पोची नॉक पे मिलने वाले क्योंकि जोन बिल्कुल छोटा हो चुका है। एंड हमारे पीछे की तरफ बंदे नहीं थे तो सामने की तरफ होने, और सामने बिल्कुल पोची नॉक, और पोची नॉक पे बंदा है गाइस, हमने यहाँ पे डैमेज दे दिया है काफी सारा, एंड दूसरा वाला बंदा भी, एंड इसके भी हमने काफी
काफी सारा डैमेज दे दिया है। एंड बाइक वाले बंदे ने यहाँ पे डाउन कर दिया और हम इस डाउन वाले बंदे से हम किल निकालना चाहिए। एंड किल हमने यहाँ पे निकाल लिया, किल यानी कि चोरी कर लिया है। एंड हमने उसको पूरा फिनिश कर लिया और हमारा एक किल एक्स्ट्रा जो फ्री का किल है वो यहाँ पे मिल चुका है। एंड सामने बंदा आ गया जो सबसे पहले हम हील करना चाहिए एंड अपने बेस्ट को भी अपग्रेड कर लेते हैं। एंड बेस्ट को अपग्रेड करने के बाद में जो बाइक वाला बंदा है उसकी बाइक को भी यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया गया। एंड गाइस सामने से बंदा आ रहा, हम इसके डैमेज देना चाहेंगे। एंड यहाँ पे गाइस 240 का हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे बन टैप दे दिया। तो बुडकी पर काफी कमाल से हम यूज कर पा रहे हैं, यानी कि बुडकी पर काफी कमाल से यहाँ पे गेम प्ले दिखा रही है अपना। एंड टोटल 5 बंदे अलग बचे हुए हैं, यानी कि 2 बंदे हमारे अलावा 2 बंदे बचे हुए, 3 बंदे हम खुद हैं एंड 2 बंदे ऐसे बचे हुए जिनमें से कम एक किल तो मैं निकालना चाहूंगा। एंड यहाँ पे गाइस हमारे जो 3 नंबर फ्रेंड है उसको भी डाउन कर दिया गया है। तो गाइस सामने बंदा है तो चलिए गाइस उसको भी मारने चलते हैं। एंड गाइस जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ इस साइड में नहीं आ रहा है तो हम इसको इजीली मार सकते हैं। एंड गाइस जो सामने वाला बंदा है वो मेरे ख्याल से लूट रहा होगा, जो हमारे फ्रेंड को आउट किया है उसको मेरे ख्याल से लूट रहा होगा। तो हम उसको मारने चलते हैं एंड इजीली उसको मारने का ट्राई करेंगे। 3 बंदे टोटल बचे हुए, यानी कि यही बंदा बचा हुआ है, मेरे फ्रेंड ने एक और बंदे को मार दिया है। एंड ये वाला बंदा गाइस यहाँ पे जोन से निकल रहा है एंड इसको इजीली मारने का ट्राई करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे मेरे ख्याल से हेडशॉट नहीं दे पाएंगे, इसको लॉन्चर से मारने का ट्राई करेंगे। लेकिन गाइस सामने वाले बंदे ने बॉल लगा लिया, लेकिन फिर भी हम इसको MP40 से मारने का ट्राई करेंगे और इसको काफी कमाल से हमने इसको हेडशॉट दे दिया है। लेकिन फिर भी ये नहीं मरा, मतलब कि इसने अपने फ्रेंड्स को रिवाइव दे दिया है। एक हमारे टीममेट को रिवाइव मिल चुका है, लास्ट बंदा बचा हुआ है जो कि ऊपर से उतर रहा है, इसको भी मार के हम भुइया निकाल लेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।